मैं आपको पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम यूनिट कर रहे हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। सो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पता करना है, और अगर हमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पता करना है तो हमें सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होता क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? अगर हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, अब जैसे बेसिक यूनिट क्या होती है, ब्रिक, ईंटें होती है। अगर कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले बेसिक क्या है, ईंटें। अगर ईंट ही नहीं होगी तो वो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है उसकी, ब्रिक्स। सो ऐसे ही हमारे पास हर चीज़ की कोई ना कोई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ओके, सो ऐसे ही मैथमेटिक्स के भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब देखते हैं क्या है वो। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले आता है अनडिफाइंड टर्म्स। अब इस वीडियो में मैं आपको जस्ट इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। मैं आगे वाली जो वीडियोज़ होगी वो टोटली बेस्ड होगी इन टॉपिक्स पे। अब जैसे पूरी एक वीडियो होगी अनडिफाइंड टर्म्स पे, ओके, सो वहाँ पे मैं आपको इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे जस्ट इनके मैं नेम्स बता रहा हूँ और थोड़ा बहुत इनके बारे में बता रहा हूँ। सो अनडिफाइंड टर्म्स वो होती है जैसे कि जो सबसे बेसिक टर्म्स होती है, जिनके बारे में हम मान लेते हैं कि ओके ये वाली टर्म्स है, जिनके लिए हमें और किसी टर्म्स को देखना नहीं पड़ता। सो और कोई डेफिनेशंस नहीं देखनी पड़ती, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स। इन अनडिफाइंड टर्म्स को यूज़ करके हम न्यू टर्म्स बनाते हैं, नई नई टर्म्स बनाते हैं जिनमें इन टर्म्स का यूज़ करते हैं। ओके, फिर आती है बात एक्सोम्स। हम फिर इन सब का यूज़ करके डिफाइंड टर्म्स का भी, अनडिफाइंड टर्म्स का भी, जो ये न्यू टर्म्स बनी है इनका भी यूज़ करके हम एक्सोम्स बनाते हैं। और फिर इंडक्टिव रीजनिंग, फिर हम रीजनिंग यूज़ करते हैं, फिर उनका यूज़ रीजनिंग से इन सब का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, एक प्रोपोजिशंस। ओके, प्रोपोजिशंस बनाते हैं और फिर इन प्रोपोजिशंस को लॉजिकल रूल्स से, रूल्स ऑफ लॉजिक यूज़ करके हम इनको क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं, और प्रूव करके इनको हम क्या बना देते हैं, थ्योरम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, थ्योरम। और जो थ्योरम ये बनी है, अब जो ये मेथड यूज़ किया इसको हम, जो ये मेथड प्रूव किया कि हमने प्रोपोजिशन ली कोई भी और फिर थ्योरम बन गई, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अलग अलग वीडियो होगी अलग अलग टॉपिक पे। यहाँ पे जस्ट मैं आपको इनका ब्रीफ में बता रहा हूँ, ओके, जो कि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते क्या है। सो हम मेथड जो यूज़ हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ, या फिर हम सिंपली प्रूफ भी बोल देते हैं। और जो ये नेचर होता है इस प्रोसेस का, तो इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो में मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताया कि क्या क्या होते हैं। सो यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म्स और ये सब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैथमेटिक्स के। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको एज ए स्ट्रक्चर के वे में, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले देखो, होती है हमारे पास अनडिफाइंड टर्म्स। इन अनडिफाइंड टर्म्स का यूज़ करके हम एक्सोम्स, डिफाइंड टर्म्स और डेफिनेशंस बनाते हैं, और फिर इन तीनों का यूज़ करके, इन सब का यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रोपोजिशन बनाते हैं, और फिर इन प्रोपोजिशन को सही या गलत देखते हैं क्या है, और फिर हम इनको प्रूव करके थ्योरम बना देते हैं। सो ये स्ट्रक्चर ऐसे चलता है। अब मैं आपको ये सब जस्ट शॉर्ट में बताया मैंने आपको, जो आगे वीडियोज आएंगी उनमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब जैसे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको अनडिफाइंड टर्म्स क्या होती है वो बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी नेक्स्ट वीडियोस देखते रहे, ये वीडियो देखें। और अगर आपको, आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले जो मैं ऑलरेडी दो वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ आप उनको देखें। थैंक यू सो मच।